नमस्कार, आप देख रहे हैं ENTV और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। पाटवा साहिब शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लग गई। बता दें कि आग की यह घटना सोमवार देर रात देवी नगर में नितिन नामक व्यक्ति के दुकान में लगी, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया और उन्होंने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। पामंटा साहिब में शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लग गई। बता दें कि आग की यह घटना सोमवार देर रात देवी नगर में नितिन नामक व्यक्ति के दुकान में लगी, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया और उन्होंने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। फायरमैन ने बताया कि उन्हें किसी का फोन आया था कि दुकान में आग लगी है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। वहीं दुकान के मालिक नितिन ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके दुकान में आग लग गई। गनीमत रही कि दुकान में ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं था, नहीं तो नुकसान के साथ साथ कोई अप्रिय घटना भी घट सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घुमारवी ने 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान पर भारत की जीत को शहीद पार्क घुमारवी में विजय दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश शर्माणी ने सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर जंग में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक कांग्रेस कमेटी घुमारवी ने 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान पर भारत की जीत को शहीद पार्क घुमारवी में विजय दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश धर्माणी ने सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर जंग में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ था कि जंग से बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि यह सब तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कारण ही संभव हो पाया था, जिस कारण इंदिरा गांधी को दुनिया आयरन लेडी के रूप में याद करता है। तो युद्ध में जो सैनिक जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको सम्मान देने के लिए, और हमारी माताएं दो तो हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हैं जिनके पति इस युद्ध में शहीद हुए थे, वीर नारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से और भावी पीढ़ी को भी इतिहास के बारे में जानकारी रहे, इस उद्देश्य से हमने ये निर्णय लिया है कि हर वर्ष 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि हम उन शहीदों को, उन सैनिकों को जो है सम्मान दे सकें जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद जो है सो रहे हैं और एक अत्याचार से मुक्ति जो है वो बांग्लादेश को दिलाने में हम सफल हुए। इस अवसर पर 1971 की जंग में योगदान देने वाले श्री डड्डू राम, निक्का राम, शेर सिंह, वीर सिंह, काशी राम, उधम सिंह, चंबेल सिंह और वीर नारी नारायणी देवी और रत्नी देवी को सम्मानित किया। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। प्राकृतिक उद्यान केंद्र और चिड़ियाघर गोपालपुर में शेर और चिंकारा के जोड़े ने धन वर्षा की है। रविवार को एक ही दिन में 1026 लोगों ने इन मेहमानों को निहारा और इससे वन्य प्राणी विभाग को 1760 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। प्राकृतिक उद्यान और केंद्र चिड़ियाघर गोपालपुर में शेर और चिकारा के जोड़े ने धन वर्षा की है। रविवार को एक ही दिन में 1026 लोगों ने इन मेहमानों को निहारा और इससे वन्य प्राणी विभाग को 1760 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। दो दिन पहले ही वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से लाए गए 9 वर्षीय हेमल नर और 5 वर्षीय अकीरा मादा शेर शेरनी सहित 3 वर्षीय पवन नर और 3 वर्षीय मादा चिकारा के जोड़े को पिंजरे से आजाद कर बाड़े में प्रवेश करवाया। 9 नवंबर को चिड़ियाघर पहुंचे शेर शेरनी और चिकारा के जोड़े को देखने के लिए स्थानीय लोगों में उत्सुकता थी। विभागीय देरी के कारण पर्यटकों को इसके लिए 38 दिन का इंतजार करना पड़ा। रविवार को चिड़ियाघर में पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया। इस दौरान 1026 लोगों ने चिड़ियाघर में प्रवेश कर मेहमान वन्य प्राणियों को निहारा और इससे वन्य प्राणी विभाग को टिकट के रूप में 1867
6,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ऐसे में चारों मेहमान चिड़ियाघर के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। हालांकि पहले भी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। शिमला डिप्टी मेयर बनने का मामला कल तक लटक गया है, क्योंकि विपक्षी पार्षद बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते वोटिंग नहीं हो पाई। 18 दिसंबर को दोबारा से बैठक होगी। शिमला के डिप्टी मेयर बनने का मामला कल तक लटक गया है, क्योंकि विपक्षी पार्षद बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते वोटिंग नहीं हो पाई। कल यानी 18 दिसंबर को दोबारा से बैठक होगी। इससे पहले भाजपा के सभी पार्षदों से मुख्यमंत्री ने उनके सरकारी आवास में मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। ओकओवर से सभी पार्षद सुरेश भारद्वाज और नरेंद्र बरागटा के साथ बचत भवन पहुंचे। कोरम पूरा न होने की स्थिति के चलते आज डिप्टी मेयर नहीं बन सके। 34 में से 21 पार्षद भाजपा के हैं। यदि क्रॉस वोटिंग की नौबत नहीं आई तो भाजपा के डिप्टी मेयर बनने का रास्ता साफ है। वैसे भाजपा ने अपने डिप्टी मेयर फाइनल कर लिए हैं। डिप्टी मेयर के लिए 3 पार्षद दौड़ में हैं, संजीव ठाकुर, सत्या कौंडल और शैलेंद्र चौहान। कोरम पूरा न होने की स्थिति के चलते आज डिप्टी मेयर नहीं बन सके। बैठक कल तक के लिए स्थगित हो गई है। अर्बन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रामकुमार गौतम ने कहा कि कोरम पूरा न होने की वजह से चुनाव कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसकी बैठक की थी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इसके लिए 3/4 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसमें से 21 लोग आज यहाँ पे आए, उन्होंने हिस्सा लिया, तो कोरम पूरा ना होने के कारण आज की मीटिंग जो है स्थगित कर दी गई है। अब कल 11 बजे दोबारा जो है मीटिंग होगी, उसके लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं है, उसमें फिर इलेक्शन जो है करवाए जाएंगे। अगर हाँ नॉमिनेशन अगर एक से ज्यादा आएंगी किसी पोस्ट के लिए, मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, तो उस पोस्ट के लिए फिर इलेक्शन होगा। इस अवसर पर शिमला के विधायक और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के नाम फाइनल कर दिए हैं। प्रदेश नेतृत्व में जो है वो तय कर लिए हैं। आज हो जाता तो आज बता देते, कल का तो कब बताएंगे। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं ये। जी कल ही बताएंगे, महिला होगी या पुरुष होगा, कोई भी हो सकता है। जो 21 काउंसलर हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। सारे जो है नेतृत्व ने जो है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें सब काउंसलर से बात की है और नेतृत्व ने भी आपस में बात की है। उसके आधार पर जो पार्टी उचित समझेगी वो कर लेगी। आज कांग्रेस के पार्षदों के न आने से चुनाव कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। कल शिमला वासियों को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। कल चुनाव होगा, आज जो है वो 3/4 जो है वो कोरम रिक्वायर्ड है फर्स्ट डे, तो उसके लिए 26 काउंसलर्स की उपस्थिति जरूरी थी, तो वो आज नहीं थी। इसलिए पहले से ही ये तय है कि 18 तारीख को जो है वो एडजर्न्ड मीटिंग होगी, जिसमें चुनाव निश्चित रूप से होगा, जो उपस्थित होंगे काउंसलर उनकी उपस्थिति। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे।